वेलकम टू सेंट पडेली सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़। आज मैं आपको LKG के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करूंगी ये बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने URL में टाइप करना होगा admission.saintpedaliesaligarh.org। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन शो होंगे, व्यू इंस्ट्रक्शन, क्लिक हेयर टू रजिस्टर एंड क्लिक हेयर टू लॉगिन। अगर आप पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कर लें। इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद आप होम पर जाएं और अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड केयरफुली कर लिया है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करें और इफ आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आप लॉगिन पर क्लिक करें। फॉर फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्टर हेयर। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए जनरेट OTP पर क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया होगा, उस OTP को यहाँ टाइप करें। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। अब आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो चुका है, अब आप पासवर्ड एंटर करें, देन रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। आपका साइनअप सक्सेसफुल हो चुका है। साइनअप करने के बाद लॉगिन करें। लॉगिन के बाद आपको अपने डैशबोर्ड पर 2 स्कूलों का पोर्टल शो होगा, सेंट पडेली सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनियर विंग एंड सद्भावना प्री स्कूल। आप इन दोनों में एड एप्लीकेंट कर सकते हैं। सेंट पडेली आप दोनों के एक दोनों स्कूलों में आप मिनिमम 3 एप्लीकेंट्स कर सकते हैं। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इसमें आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करें। रिमेंबर इट, जो भी रेड मार्क्स हैं उन्हें उन फील्ड्स को ज़रूर फिल करें, अदरवाइज आपका फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। सारी इंफॉर्मेशंस को केयरफुली रीड करें बिकॉज एक बार इंफॉर्मेशन सेव होने के बाद एडिट नहीं होगी। यहां आप अपने सिबलिंग्स की कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रीड चेक ज़रूर कर लें क्योंकि एक बार फॉर्म फिल होने के बाद एडिट नहीं हो पाएगा। इन्फॉर्मेशन रीचेक करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। अब आपका यहाँ पर एक एप्लीकेंट ऐड हो चुका है। सद्भावना प्री स्कूल में भी ऐड एप्लीकेंट क्लिक करके आप अपना एप्लीकेंट ऐड कर सकते हैं। देन आप अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, पे ऑनलाइन कर सकते हैं एंड चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। याद रखिए, कभी कभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करते टाइम आपका पॉपअप ब्लॉक हो सकता है, इस पॉपअप को ओपन करें, ऑलवेज अलाउ पर क्लिक करें एंड उस HTTP पर रिडायरेक्ट करें। आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से शो होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप अपनी फीस 2 टाइप से पे कर सकते हैं, 1 इज ऑनलाइन पेमेंट एंड अदर इज डाउनलोड चालान।
चालान डाउनलोड करके आप अपने स्कूल में फीस सबमिट कर सकते हैं एंड ऑनलाइन पेमेंट इस पे फी ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको अपना पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखाई, यहाँ से आप अपनी ऑनलाइन फीस रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं एंड अपना एप्लीकेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से ऑनलाइन एडमिशन करने में सहायता मिली होगी। अगर इसके अलावा आपको ऑनलाइन एडमिशन फिल करते टाइम कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7895586653। थैंक यू।